हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं रवि पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने तद्भुत तत्सम और विलोम शब्द के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में मुहावरा दिया जाता है और उसका अर्थ पूछ लिया जाता है, तो हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ ही जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं और मैं थोड़ा धीरे चलूँगा, जिससे आप लोग जो है मेरे साथ ही इसको याद करते चले तो अच्छा होगा, क्योंकि 100 लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत से याद हो जाएंगे। और अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पे। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा मुहावरा जूतम पैजार, तो इसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना। दूसरा है पौ 12 होना। पौ 12 होने का मतलब होता है, अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना। अगला है अंडे सेना। अंडे सेने का मतलब होता है घर में बेकार बैठना। अगला है नीम हकीम खतरे की जान, तो देखिए इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। अगला प्रश्न है छाती पर मूंग दलना, तो ये होता है बहुत परेशान करना। अगला है कान में तेल डालना, मतलब है इसका कुछ ना सुनना। अगला है 9 2 11 होना, सभी को पता है भाग जाना होता है इसका अर्थ। अगला है जान पर खेलना, इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। अगला है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब कभी खुशी कभी गम वाला हाल है। अगला प्रश्न है कलेजा पसीज जाना, तो मतलब द्रवित हो जाना है इसका। अगला है नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ने का मतलब है विनती करना। अगला है सब्ज बाग दिखाना, मतलब झूठा आश्वासन देना। अगला है हक्का बक्का रह जाना, मतलब अचरज में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, इसका यही मतलब है। अगला है अठखेलियाँ सूझना, इसका अर्थ है दिल लगी करना। अगला है आपे में नहीं रहना, तो इसका मतलब है अर्थ है अपनी सुध खो देना। अगला है औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का मतलब है निपट मूर्ख। अगला है आपका आँख के अंधे गांठ के पूरे,
इसका अर्थ है धनी परंतु मूर्ख। अगला है चोर के पैर नहीं होते। तो लिखा है मतलब इसका अर्थ है दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। अगला है पेट भरे मनमोदक से कब। तो पेट भरे मनमोदक से कब मतलब है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। इसका अर्थ है काफी महत्वपूर्ण मुहावरा है ये। अगला है अरहर की टटिया गुजराती ताला मतलब छोटी वस्तु के लिए अत्यधिक व्यय करना। मतलब मान लीजिए लकड़ी की झोपड़ी बनी है और उसमें लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है जो कि कम कीमत का है और उसमें आप सोने का ताला लगा रहे हैं तो वही हो जाता है कि छोटी वस्तु के लिए अत्यधिक व्यय करना। अगला है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका अर्थ है असंभव कार्य मतलब ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो इसी वजह से इसका अर्थ है असंभव कार्य। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है रट लीजिएगा इसे खेत रहना। खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद होना। अगला है कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब होता है सच्चाई का पता लगाना या भेद का खुलना। अगला है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी था। तो ये तो आसान था। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। अगला है कान भरना चुगली करना सभी को पता होगा। सिर उठाना विद्रोह करना सभी को पता है। चैन की बंसी बजाना मौज करना। अब जैसे कोई जॉब पा जाता है तो वो चैन की बंसी बजाने लगता है मतलब उसको अच्छा लगता है मौज करने लगता है जब उसकी सैलरी आने लगती है। अगला है आँख की किरिकिरी होना। तो इसका है अर्थ अप्रिय लगना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो मतलब उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। अगला है 9 दिन चले पढ़ाई कोर्स। तो धीरे धीरे चलना इसका अर्थ है। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अपनी प्रशंसा स्वयं करना सभी को पता है। अगला है ओछे की प्रीत बालू की भांति। तो लिखा हुआ है बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। आराम से टिक कर लेंगे अगर बहुत गलती में आता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करते हैं एक तरफ मुहावरा लोकोक्ति लिखकर दूसरी तरफ अर्थ पढ़ते हैं तो आपको याद होगा थोड़ी देर से याद होगा लेकिन वो आपको हमेशा याद रहेगा। और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा प्रयोग करके देखिएगा क्योंकि मैं प्रयोग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा इसी वजह से। अगला है जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला है घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है लज्जित होना। अगला है चांद पर थूकना मतलब निर्दोष पर कलंक लगाना सम्मानित व्यक्ति पर कलंक लगाना। यही इसका अर्थ है। अगला है खरगोश के सींग निकालना या पानी से घी निकालना या बालू से तेल निकालना। इन सभी तीनों का अर्थ है असंभव होना मतलब ऐसा कर जो असंभव है। पानी से घी कहाँ निकलेगा बालू से तेल कहाँ से निकलेगा खरगोश के सींग कहाँ से निकलेंगे। तो ये सब असंभव कार्य है। अगला है कपटी मित्र आस्तीन का सांप। काठ का उल्लू होना बड़ा मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन बुद्धिहीन होना। अगला है तू डाल डाल मैं पात पात
चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला है बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, आग में घी डालना, क्रोधी को और क्रोधित करना, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, सिर खाना, अवांछित बात करना। तो सिर खाना का अर्थ है अवांछित करना, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अवांछित संवाद करना या अवांछित बातचीत करना। मतलब सिर खा लिया तुमने तो बात करके, तो मतलब बेकार की बातें करके जो है सिर खा लिया, यही है इसका अर्थ। अगला है सिर खपाना, सोच विचार करना। मतलब इस गणित के सवाल में मैंने तो अपना सिर खपा दिया, बहुत सोच विचार किया है इस प्रश्न पे। अगला है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, मतलब पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मतलब है झूठा दिखावा करना। अगला है घी के दिए जलाना, मतलब खुशी मनाना, जमीन नई जमीन तोड़ना, मतलब अनूठा प्रयास करना। अगला है सीधे मुंह बात ना करना, मतलब नाराजगी प्रकट करना। अगला है तीर मारना बड़ा काम करना, तीर मारना अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई भी व्यक्ति होता है, अगर हम कोई काम कराते हैं पहली बार तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे तुमने तो तीर ही मार दिया, तो बड़ा काम कर दिया। अगला है छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना, कोई तीर घाट तो कोई बीर घाट, मतलब कोई तालमेल ना होना। अगला है राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। अगला है आँखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। अगला है तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बढ़ा देना। अगला है अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती। अगला है लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना। अगला है छक्के छुड़ाना, इसका मतलब है हारना। जौहर खुलना, मतलब भेद का पता लगना। ढकोर संग, मतलब बेवकूफ। ऐसी तैसी करना जो होता है इसका थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी देखते हैं, बताता हूँ मैं आप। देखिए ऐसी तैसी करने का जो अर्थ है वो होगा दुर्दशा करना, मतलब बर्बाद करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसीलिए ऐसी तैसी का जो अर्थ है वो है दुर्दशा करना, ये नहीं होगा। अगला है तिलांजलि दे दी, मतलब पूर्णतः मुक्त होना। अगला है आकाश से बातें करना, मतलब बहुत ऊंचा होना। बांसों उछालना तो होता है प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। अगला है लंगोटी में फाग, मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला है खून पानी होना, मतलब कोई असर ना होना। अगला है माथा ठनकना, मतलब अनिष्ट की आशंका होना। अगला है ठीकरा फूटना, मतलब किसी के सर झूठा दोष लगाना, या ठीकरा फोड़ना मतलब किसी के सर झूठा दोष लगाना। अगला है अंधेरी नगरी, मतलब अन्याय की जगह। अगला है ईमान बेचना, मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला है मांगे भी पूछे गांव की जमा, मतलब अपनी असलियत भूलकर बात करना। अगला है अपनी ढपली अपना राग, सबको अपने मन के अनुसार चलना।
सब अपने मन मुताबिक कार्य करना, ये भी इसका हो सकता है। अगला है, हसुए के ब्याह में खुरपी की गीत, मतलब असंगत बातें करना, बहुत ही अच्छा है ये। अगला है, जस दूल्हा तस बनी बारात, सभी साथी एक जैसे। अगला है, ऊँट के मुँह में जीरा जरूरत से बहुत कम, घर का बेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हान होती है। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका है, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अगला है, तबेली का बला बंदर के सिर, तो लिखा हुआ है, किसी का अपराध दूसरे के लिए, मतलब किसी ने अपराध किया है तो उसको दूसरे के सर मढ़ देना, ये इसका अर्थ है। अगला है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, बात सही है। अगला है, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, मतलब उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। अगला है, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, मतलब नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अगला है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब घर के ज्ञानी को कोई सम्मान नहीं। अगला है, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। अगला है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब दुष्कर कार्य। अगला है, कौड़ी को ना पूछना, तो उसका है, निकम्मा होना। लिखा है, अगला है, तालू में जीभ ना लगना, चुप ना रहना, हाथ पीले करना, विवाह करना होता है इसका, गुड़ गोबर करना, सारा काम बिगाड़ देना या सारा काम रुक जाना। अगला है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मतलब मजबूरी में काम काम पड़ना। अगला है, टिप्पस लगाना, मतलब सिफारिश करना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। अगला है, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल एवं बेढंगा होना, ना उधो का लेना ना माधो का देना, तो अपने काम से काम रखना। अगला है, कान फूंकना, मतलब दीक्षित करना। अगला है, तीन तेरा करना है, तो इसका अर्थ है, तितर बितर करना। तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें भी आपको इसी तरीके से जो है मुहावरे मिल जाएंगे, और उसके बाद एक हम लोग जो है MCQs का वीडियो लाएंगे मुहावरे का, जिससे जो है आपके मुहावरे ख़त्म हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।